मेरे जैसी बेटियां या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं तो ऐसा ना करें। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी ना किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदाई है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है, कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं दो चार दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटियां या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहे हैं फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी ना किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदाई है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करे ना करे, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं उसने कितनी बेहूदगी की है, और जब उसने वो किया निलंब इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए उससे बच्चे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर।